सूर्य कुमार यादव ने कर दिया चमत्कार, रिंकू सिंह ने बदल दिया क्रिकेट का इतिहास। बल्ले से दोनों नहीं मचा पाए धमाल तो गेंद से श्रीलंका को मिट्टी में मिला दिया। आखिरी सांस तक लड़ते रहे भारत के शेर। वॉशिंगटन सुंदर ने लिखी बर्बादी की कहानी, फिर सूर्या ने हाथों में गेंद लेकर मचाया कोहराम। सुपर ओवर में चौका लगाकर जिता दिया मैच, जिस मुकाबले में हार चुका था भारत। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ने जिताया मैच। जीत के बाद सूर्या ने बोली बड़ी बात। सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट के इतिहास को पलट कर रख दिया। रिंकू सिंह ने दिखा दिया कि उनको गेंदबाजी आती है, और ऐसी गेंदबाजी आती है कि अपनी टीम को मैच भी जिता सकते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि श्रीलंका उस मैच को हार गया जिसमें पहले ही बाजी अपने नाम कर ली थी। बहुत बढ़िया प्रदर्शन शुरुआत में श्रीलंका की तरफ से देखने को मिला था, लेकिन सूर्य कुमार यादव के मास्टरमाइंड के आगे श्रीलंका ढेर हो गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, और सूर्य कुमार यादव इतनी घातक गेंदबाजी भी कर सकते हैं। सूर्या को तो आपने बल्लेबाजी करते हुए देखा था, लेकिन आज जब उन्होंने गेंद अपने हाथों में ली तो श्रीलंका की लंका लगा दी। पहले रिंकू सिंह ने कोहराम मचाया, अपनी गेंद का दम दिखाया, फिर आखिरी ओवर में पूरी कहानी सूर्या ने पलट दी। कैसे भारत ने हारा हुआ मैच अपने नाम कर लिया आपको बताते हैं। श्रीलंका के खिलाफ अब तक खेले गए मुकाबलों में ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मैच हो रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में सभी की सांसें अटक गई थीं, रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई थीं। एक वक्त जहां लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत बुरी तरीके से हार जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने ऐसा दांव चल दिया कि श्रीलंका की सांस भी थम गई। इस मैच की अगर बात करें तो तीसरे T20 मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी बहुत औसत दर्जे की रही। जिन बल्लेबाजों पर सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया, जिनको गौतम गंभीर ने लड़कर मौका दिलाया, जिनके लिए अपने प्रमुख खिलाड़ियों को बाहर बिठा दिया, उन्होंने निराश करने का काम किया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई सूर्य कुमार यादव से बदला लेना चाह रहा था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की तारीफ फिर चारों तरफ हो रही है। बल्लेबाजी से लेकर कप्तानी तक दोनों में सूर्या का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। इस मैच में भले ही सूर्या का बल्ला नहीं चल पाया, मगर उन्होंने गेंद से मैच बदल दिया। शुरुआत में श्रीलंका की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई, दोनों ओपनर अच्छा कर रहे थे। लगने लगा था कि मैच एक तरफा हो जाएगा, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर ने पूरा खेल पलट दिया। कोई भी गेंदबाज असरदार साबित नहीं हो रहा था, तो सूर्य कुमार यादव ने तुरंत रवि बिश्नोई को बुलाया। रवि बिश्नोई मैदान पर आए और उन्होंने एक बार फिर सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम किया। अपने स्पिन के जाल में श्रीलंका के बल्लेबाजों को फंसाया और भारत को दो सफलता अपनी तरफ से दिलाई। इसके बाद दबाव सीधे तौर पर श्रीलंका की तरफ आ गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वॉशिंगटन सुंदर इतना बड़ा कमाल कर जाएंगे। सिर्फ 23 रन खर्च करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने दो विकेट लिए और लगातार दबाव श्रीलंका पर बढ़ता चला गया। लेकिन बीच में खलील अहमद के एक ओवर में 5 लगातार वाइड ने श्रीलंका की मुश्किलों को और आसान कर दिया। लेकिन इस मुकाबले में ऐसा भी कुछ देखने को मिला जो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। जब टीम के मैन गेंदबाज खराब गेंदबाजी कर रहे थे, तब सूर्य कुमार यादव ने अचानक से रिंकू सिंह के हाथ में गेंद सौंप दी। रिंकू सिंह ने भी क्या कमाल किया, उन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर विकेट ले लिया। इसके बाद गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव मुस्कुराने लगे। इसका मतलब यह है कि रिंकू सिंह जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। रिंकू के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने हाथ में गेंद थाम ली और दो विकेट निकालते हुए मैच को सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। किसी को सच में यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। सुपर ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की। भारत के सामने श्रीलंका के बल्लेबाज घुटने पर आ गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी का नतीजा रहा कि श्रीलंका सिर्फ 2 रन ही बना सका, और सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से चौका मारते हुए मैच जिता दिया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को आप कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।